So the object of today's practical is to prepare the buccal film of ondansetron hydrochloride. Buccal film is a type of buccal drug delivery system. Or the main advantages of buccal drug delivery system is, first one is it bypass the first pass metabolism. इसकी वजह से जो maximum drug जो metabolize हो जाती थी वो नहीं होती है, अल्टीमेटली बायोबिलिटी बढ़ेगी. सेकेंड, इट बाईपास द हार्श एनवायरनमेंट ऑफ GI ट्रैक्ट. जो ड्रग हम एडमिनिस्टर करते हैं, ओरली एडमिनिस्टर करते हैं, वो ज़्यादातर ड्रग एसिड या एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन की वजह से डिग्रेड हो जाती है, वेस्ट हो जाती है. सो इन दोनों रीज़न की वजह से जो बक्कल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है उसमें बायोबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है और डिग्रेडेशन नहीं हो रहा है. एंड थर्ड वन इज फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन. जो बकल मेम्ब्रेन होती है वो थोड़ी सी थिन होती है, तो ड्रग इजली एब्जॉर्ब हो जाती है, और एब्जॉर्ब होकर डायरेक्टली कहाँ पहुँचती है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में. तो जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो फास्ट हो जाता है. तो ये कुछ मेन एडवांटेजेस हैं बकल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की. Now we are coming to procedure. For preparing buccal film, we need some ingredients like HPMC E5, HPMC K100, Judragit, propylene glycol and ethanol. These are the ingredients for practical. Now we start the procedure by dissolving HPMC E5 and HPMC K100 in 10 ml ethanol. HPMC E5 एंड K100 को हमने जो भी एक्यूरेट क्वांटिटी थी अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने उसको वे कर लिया, और उसको हमने 10 ml इथेनॉल में डिजोल्व किया. जब ये अच्छे से डिजोल्व हो जाए देन वी ऐड जुड्राजिट. जुड्राजिट को भी हमने उसमें ऐड करके उसको भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया और होमोजेनाइज कर दिया, ताकि एक यूनिफॉर्म डिस्पर्सन बने पॉलीमर का. सेपरेटली हमने प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल में ड्रग को डिजोल्व कर दिया. एक अलग बीकर में हमने प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल लिया, उसमें ड्रग डाली, उसको डिजोल्व कर लिया, और अब हमने इस प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल को हमने इस पॉलीमेरिक सॉल्यूशन में मिक्स कर दिया. मिक्स किया, अच्छे से उसको स्टेयर किया, तो हमें एक सॉल्यूशन मिलेगा. वी फर्दर सोनिकेट दिस सॉल्यूशन टू फॉर्म अ क्लियर सॉल्यूशन. अब ये जो क्लियर सॉल्यूशन बना इसको हम एक PVA एल्यूमिनियम बैकिंग मेम्ब्रेन पे कास्ट करते हैं. PVA एल्यूमिनियम बैकिंग मेम्ब्रेन पे कास्ट करना है हमें. तो इसका जो PVA एल्यूमिनियम बैकिंग मेम्ब्रेन हम बना रहे हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए, 4% PVA सॉल्यूशन. 4% PVA सॉल्यूशन बना लिया हमने. फिर एक पैट्री डिश ली, उस पैट्री डिश में हमने एल्युमिनियम फॉइल को बिछा दिया, और उसके ऊपर हमने ये 4% PVA सॉल्यूशन को पोर किया. इस 4% PVA सॉल्यूशन को हमने इस पर पोर कर दिया. अब इस पर पोर करने की वजह से पोर कर दिया, एक लेयर बन गई, और इस पैट्री डिश को अब हम 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे फॉर 10 आवर्स के लिए रख देंगे ड्राई होने के लिए. तो जब ये ड्राई हो जाएगी तो एल्युमिनियम फाइल के ऊपर एक PVA की लेयर बन जाती है, और इसी पूरी एल्युमिनियम फाइल और PVA लेयर को हम एज ए बैकिंग मेम्ब्रेन यूज़ करेंगे यहाँ प्रैक्टिकल में. तो ये हमारी बैकिंग मेम्ब्रेन बन गई. तो सॉल्यूशन को हमने इस पैट्री डिश में पोर कर दिया, पॉलीमेरिक सॉल्यूशन को, और उसको फिर हम ओवन में 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे फॉर 24 आवर ड्राई करेंगे. तो आफ्टर ड्राइंग वी गेट दी बकल फिल्म. सो दिस इज दी प्रोसीजर ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बकल फिल्म ऑफ ऑंडेंसेट्रॉन हाइड्रोक्लोराइड. इस प्रैक्टिकल में ऑंडेंसेट्रॉन लिया गया है. जनरली ऑंडेंसेट्रॉन की जो बायोबिलिटी है, ओरल बायोबिलिटी, वो बहुत कम होती है, अराउंड 50-60% होती है.
तो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, ऑर्नेज़ेट्रॉन की बक्कल फिल्म बना रहे हैं ताकि हम उसकी बायोलिटी को इंक्रीज कर सकें। ठीक है, सो दिस इज़ द कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ दिस प्रैक्टिकल। सबसे पहले आपको HPMC 5 विंग करना है, 1.250 मिलीग्राम। वन पॉइंट टू फाइव ग्राम ठीक है सर। हम आपको लेना है HPMC K100, 500 मिलीग्राम लेना है। ठीक है, अब आपको ये 1 ग्राम लेना है। ओके ठीक है। बंद करो उसको, आ जाएगा। अब आपको ऑन्डेस्ट्रॉन ड्रग लेनी है, कितनी लेनी है, 150। 150 मिलीग्राम। ओके, वेंग करिए। ये आपका ऑन्डेस्ट्रॉन ड्रग 150 मिलीग्राम वेंग हो गया है। ये आपके चारों विंग हो गए हैं, HPMC 5 K100, ऑन्डेस्ट्रॉन ड्रग और यूटाजिट। इंजन सिलेंडर में सबसे पहले आप इथेनॉल 10 ml मेजर करेंगे मेजरिंग सिलेंडर में। लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। HPMC डालिए। अब इसमें HPMC E5 और K100 को डाल के मिक्स करना है। क्या है ये, K100? ठीक है, अब इसे स्टिरर करना है प्रॉपरली। वाटर 2 ml वाटर इसमें ऐड करना है आपको, ठीक है, आप भी लीजिए। जी ऐड करो। अब इसको
पाँच मिनट के लिए छोड़ दीजिए। मिक्स नहीं करना है, कर एक बार स्टिर करते रहेंगे। हाँ कितना लेना है? 0.1 ml। 0.1 ml 1 ml प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल लीजिए। ओके ये है 0.1 ml हमारा प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल। इसमें हम क्या करेंगे, इंडोस्टेरोन को डिसॉल्व करेंगे। ठीक है, इंडोस्टेरोन ड्रग कितनी लिए हो? 150 ml। ठीक, कौन इसमें हमारा इंडोस्टेरोन? हाँ, अब इसमें इंडोस्टेरोन ड्रग ऐड करेंगे प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल में। ठीक है, अब आपको इसको डिसॉल्व करना, इसको स्टर करिए। इसी पे क्लिक कर दीजिए जहाँ ये है, दिख रहा है उसे क्लिक कर दीजिए, साफ आ जाएगा। ठीक, हो रही है, डिजॉल्व हो रही है। HPMC E5 और K100 को इथेनॉल में मिक्स करने के बाद जो आपने बनाया है वाटर ऐड कर दिया। अब इसमें यूड्राजीट आपको 500 mg है इसमें डालना है। डालिए, स्टर करिए। ये हमारा यूड्राजीट हो गया है, इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद क्या करेंगे, होमोनाइज। हाँ, उसके बाद इसको होमोनाइज करना है। ठीक है, HPMC E5 और K10 के सॉल्यूशन को प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल और इंडोस्टेरोन ड्रग जो आपने सॉल्यूशन बनाया है उसमें मिक्स करना है। अब इसमें पॉलीविनाइल अल्कोहल की जो लेयर बनी हुई है उसमें हम ये पोर करेंगे। ठीक है, डालो, डाल के इसको एकदम बराबर कर देना। पोर करने के बाद अब इसे हम लोग हॉट एयर ओवन में 37 डिग्री टेम्परेचर पे रखेंगे। ऑन करिए इसको अंदर से। पीछे वाला स्विच है, पीछे वाला, हाँ वो वाला। इसको दबाओ। हाँ, थर्टी सेवन। ओके, दिस इज द बक्कल पैच ऑफ ऑंडेंसेट्रॉन हाइड्रोक्लोराइड। दिस इज द बक्कल फिल्म।